Welcome back. I've got something very special for you today. See, I've got a golden opportunity to visit this actual akhada where they practice Indian style wrestling, also known as Kushti. Hope you like it. आशीर्वाद से आज हमारे खाड़े में 50 से 60 बच्चे आते हैं सुबह शाम। अब हम उनको नेशनल प्लेयर इंटरनेशनल बनाने की कोशिश करते हैं। हमारा खाड़ा 1914 में खड़ा हुआ था, यहाँ पे भगत सिंह जी भी आए थे, ठीक है जी। और हमारे खाड़े का नाम हिंदू कुमार सभा अखाड़ा फुलवारी आश्रम है। ये अखाड़ा, इसमें जीवन मिलता है, ब्रह्मचर्य का पालन होता है। ब्रह्मचर्य का पालन होगा, बुद्धि स्थिर रहेगी, चाहे नकारात्मक तो कार्य नहीं करता व्यक्ति, और सीधा चलता है, पढ़ाई लिखाई उसकी अच्छी होती है, व्यसनों से दूर रहता है। और ये जीवन में जितना भी व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, बुढ़ापे तक उसकी शक्ति बनी रहेगी, बुराई से दूर रहेगा, व्यसनों से दूर रहेगा। और ये तो सैकड़ों साल से चल रहा है, लोग आ रहे हैं और लोग जा रहे हैं, ये चलता ही रहेगा। ये मूल्य तो हिंदू कुमार सभा अखाड़ा फुलवारी आश्रम है। इसमें हम सब जो भी है, फिर गुरु शिष्य फिर जो है हमारे बाद फिर कोई और आ जाएगा, ये चलता ही रहेगा। ये परमात्मा कार्य है, इसको करते ही रहना चाहिए। इसमें बलवान भी हो, बुद्धिमान भी होता है, सभी बनता है, प्राण शक्ति बढ़ती है, बुराइयाँ दूर रहती है, मेरी बीमारियाँ दूर हो जाती हैं इससे, जो हम बता नहीं सकते। मन पक्का हो जाता है, इसलिए ये काम जो है करते रहना चाहिए। ये हमारी परंपरा है। और ये हनुमान जी महाराज के बलवान थे, बुद्धिमान थे, प्राणायामी थे। और उसके बाद महाभारत में भगवान कृष्ण महाराज जो है मल्ल युद्ध के आचार्य थे, इसलिए इसको काम करते रहना चाहिए। ये तो जो है सतयुग से चला आ रहा है, ये काम ये तो जो है तो व्यायाम मल्ल युद्ध कहते हैं इसको। जितना व्यक्ति इधर रहेगा बुराइयों से बचता रहेगा। So if you like our video, please hit the like button, subscribe and press that bell icon so that you can get the latest notification of these videos. Thank you.